टी20 मैच में नेपाल के बल्लेबाजों ने रोहित शर्मा और युवराज सिंह जैसे दिग्गज बल्लेबाजों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए मंगोलिया टीम का एशियन गेम्स में धुआं उड़ा दिया। साल 2007 के वर्ल्ड कप में युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड को 6 छक्के लगाकर 12 गेंदों में फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड बनाया था। 16 साल पुराने इस रिकॉर्ड को नेपाल के बल्लेबाज दीपेंद्र सिंह एरी ने भी 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाकर महज 9 गेंदों में ही 50 बनाकर तोड़ दिया। यही नहीं, साल 2017 में श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए रोहित शर्मा ने 35 गेंदों में शतक लगाकर टी20 इंटरनेशनल में फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया था। नेपाल के बल्लेबाज कुशल मल्ला ने सिर्फ 34 गेंदों पर शतक ठोककर रोहित शर्मा का ये रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। साथ ही नेपाल टीम टी20 इंटरनेशनल में आज तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर यानी कि 314 रन बनाने वाली और टी20 में एक इनिंग में सबसे ज्यादा यानी कि 26 छक्के लगाने वाली पहली टीम बन गई है। नेपाल के इस रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस को देखकर हम यही कहेंगे कि नेपाल क्रिकेट का भविष्य सुनहरा है।